अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्कवर द फैक्ट्स और मुझे कहते हैं अकबर अली। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और हर कोई इस कोशिश में लगा है कि ईद उल अज़हा के लिए जानवर खरीदा जाए। नाज़रीन गिरामी, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों ईद उल अज़हा की बात हर जगह पे चल रही है और हर कोई इस कोशिश में लगा है कि वो जल्दी से जल्दी ईद उल अज़हा की तैयारी कर ले। ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है जिसमें सुन्नत इब्राहिमी पूरी की जाती है और मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक गाय, बकरे और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। इस मौका पर मुसलमानों का जज्बा देखने के लायक होता है। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की फिक्र में होता है। इस तरह ईद उल अज़हा पर अल्लाह की राह में लाखों जानवर कुर्बान किए जाते हैं। ख़ास तौर पर कराची में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। लोगों का जोश और जज्बा देखते हुए व्यापारी भी इस कोशिश में होता है कि वो अपने जानवर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करें। इसके लिए साल भर जानवर की खास खिलाई पिलाई भी की जाती है और इस तरह सेहतमंद जानवर हज़ारों की बजाय लाखों में बिकता है। मंडी जाकर अच्छा जानवर अलग ही नजर आता है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी तरह जांच करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें किसी तरह की कमी या नक्स आपकी कुर्बानी पर असरअंदाज हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, जानवर घर लाने के बाद भी इसकी बहुत अच्छी देखभाल ज़रूरी है ताकि वो हर तरह की बीमारियों या चोट से महफूज रह सके और ईद के दिन भरपूर तरीके से इसकी कुर्बानी की जाए। नाज़रीन गिरामी, जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए और जानवर की खरीदारी किस तरह की जाए, ये जानने से कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर मालूमती वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। पहले नंबर पर है, मंडी जाते वक्त अपने साथ किसी ऐसे शख्स को जरूर लेकर जाएं जो कुर्बानी के जानवरों के बारे में पूरी मालूमात रखता हो। दूसरे नंबर पर है, कुर्बानी के जानवर की उम्र का खास ख्याल रखा जाए। गाय की कुर्बानी की उम्र कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल होनी चाहिए। इसकी उम्र का अंदाज़ा आगे के दांतों से लगाया जाता है। 2 साल की गाय के आगे के 2 दांत बड़े होते हैं, 3 साल की गाय के आगे के 4 दांत बड़े होते हैं, जबकि 4 साल की गाय के 6 दांत और 5 साल की गाय के 5.5 दांत एक जैसे होते हैं। सेहतमंद गाय के दांत भी सेहतमंद और देखने में अच्छे लगते हैं। इसके बाद है, बकरे और भेड़ की कुर्बानी की कम से कम उम्र 1 साल होती है, जबकि ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि कुर्बानी का जानवर हमेशा दिन की रोशनी में खरीदें ताकि इसका कोई ऐब आपसे छुपा ना रहे और आप अंधेरे में कोई बीमार जानवर ना खरीद लें। थोड़ा सा चारा या घास जानवर के मुँह के करीब ले जाएँ। अगर वो सेहतमंद होगा तो फौरन ही वो चारा जुबान की मदद से अपने मुंह में ले जाएगा। जानवर की नाक को करीब से देखें। सेहतमंद जानवर की नाक आमतौर पर गीली रहती है। हामिला गाय की कुर्बानी मना है, इसलिए खरीदने से पहले अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि गाय के पेट में बच्चा तो नहीं है। गाय को बड़ा और मोटा करने के लिए हारमोन्स के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या फिर बार बार खिलाना पड़ता है, इसलिए बेहतर होगा कि बड़ी गाय खरीदने की बजाय दरमियाना जानवर खरीदा जाए। इसके अलावा बड़े जानवर में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है जो सेहत के लिए बहुत मुज़र साबित होती है और बीमारियों का बायस बनती है। खरीदने से पहले जानवर का अच्छी तरह जायज़ा लें कि इसे कहीं चोट तो नहीं लगी, इसकी चाल में लंगड़ापन तो नहीं, इसके कान, दुम या सींग टूटे हुए या कटे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि एक हद पर ये चीज़ें ऐब में शुमार होती हैं और ऐसे जानवर पर कुर्बानी नहीं होती। घर लाते हुए जानवर को गाड़ी में चढ़ाते और उतारते हुए एहतियात करें और इसको गाड़ी में सही तरह से बांध कर लाएं। जहां जानवर को बांधा जाए वहां खुश्क मट्टी डाल दें ताकि वो चिकनी सतह पर फिसल ना सके। इसकी रस्सी ना बहुत लंबी रखें और ना ही बहुत छोटी ताकि वो आराम से बैठ सके। कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करें, इसे मारने से गुरेज करें। कुर्बानी के जानवर को वही गिज़ा खिलाएं जो इसके मालिक ने बताई हो। अगर जानवर खाना छोड़ दे या इसमें किसी तरह की सुस्ती देखें तो फौरी तौर पर जानवरों के डॉक्टर को दिखा दें। इसके खुरों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनमें कभी भी कीड़े पड़ जाते हैं।
और जब जानवर उन्हें मुंह लगाते हैं तो ये कीड़े मुंह और पेट में भी चले जाते हैं, जिनसे जानवर बीमार हो जाता है। ऐसे जानवरों को दूसरे जानवरों से हमेशा अलग रखें। बारिश होने की सूरत में जानवर को छत के नीचे सूखी जगह पर रखें ताकि वो गीला ना हो और इसके बैठने की जगह भी सूखी रहे। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए किसी भी जानवर को बिजली के खंभों के करीब ना बांधें, क्योंकि बारिश में बहुत से जानवर करंट लगने की वजह से भी मर जाते हैं। उम्मीद है कि इन मशवरों पर अमल करके आप बेहतरीन जानवर खरीदेंगे और इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को ये सुन्नत पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और मालूमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।